पहाड़ से मैदान तक ठंड का प्रकोप प्रचंड है। श्रीनगर में ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 25 साल बाद श्रीनगर में इतनी ठंड पड़ी है। यहां पारा लुढ़ककर -8.4 हो गया है। सिर्फ श्रीनगर ही नहीं बल्कि राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी के साथ साथ कोहरे की मार भी लोग झेल रहे हैं। दिल्ली में आज जबरदस्त ठंड है। सफदरजंग में आज सुबह 8:30 बजे तापमान 2 डिग्री तक दर्ज किया गया। वहीं पालम में भी 2 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। दिल्ली NCR में कई जगह पर 0 विजिबिलिटी रही। सड़क पर कुछ नजर नहीं आ रहा था। पंजाब से लेकर यूपी और बिहार तक लोगों को ठंड और कोहरे से दो चार होना पड़ रहा है। पहाड़ से मैदान तक ठंड का टॉर्चर जबरदस्त। -8 डिग्री में जम गई डल झील। बर्फिस्तान से त्राहिमाम दिल्ली तक सर्दी का कोहराम। श्रीनगर में बर्फबारी बंद है लेकिन बर्फ हर जगह दिखी जाएगी। यकीन नहीं होता तो इस डल झील को देखिए। श्रीनगर का पारा ऐसे गिरा कि डल झील पर पिघलती बर्फ फिर से जम गई। इस वक्त विश्व प्रसिद्ध डल झील के किनारे पर मौजूद है। करीबन 1.5 फीट के आसपास यहाँ पर बर्फ जो है जमी हुई है, लेकिन अब ये बर्फ जो है ये पिघल नहीं रही है क्योंकि रात का तापमान जो है वो 0 से नीचे चला जाता है, जिसके कारण ये बर्फ जो है पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी है, यानी कि ये शीशे की दीवार बन गई है। ये आप देख सकते हैं, ये बर्फ जो है अब पूरी तरह से हार्ड बन चुकी है और अगर दिन में धूप भी निकल जाए तो उसके बावजूद भी ये बर्फ जो है पिघल नहीं रही है। रात में जब आसमान खुला रहता है उसके कारण सुबह जो है ये बर्फ पूरी तरह से शीशे की दीवार की तरह दिखाई देती है। झील के इस हिस्से को आप देख सकते हैं, झील का हर हिस्सा जो है वो बर्फ की सफ़ेद आगोश में सिमट चुका है। करीबन 7 इंच के आसपास बर्फ की मोटी परत जो है वो बिछी हुई है। आप देख सकते हैं कि मैं झील में जो है ये बर्फ का एक टुकड़ा डाल रहा हूँ। यह आप देख सकते हैं कि ना तो बर्फ टूट रही है और इस पर जो बर्फ की मोटी परत बिछी हुई है न वो टूट पा रही है। कारण यही है कि तापमान में बारीक गिरावट दर्ज हो रही है। श्रीनगर में जहां रात का तापमान -8 डिग्री तक पहुंच चुका है, वहीं अगर कश्मीर के पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां का तापमान भी -11 डिग्री तक पहुंच चुका है। लेह और करगिल के तापमान पर नज़र डालें तो बदन कांप उठता है। वहां का तापमान -28 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। 2 दिन से श्रीनगर में जबरदस्त ठंड पड़ रही है। मंगलवार की तरह कल की रात भी काफी सर्द रही। श्रीनगर में तापमान -8 डिग्री तक चला गया। कश्मीर में ठठरती ठंड ने ऐसी दस्तक दी है कि 25 साल पुराना रिकॉर्ड आज ठंड ने तोड़ दिया। 1995 में श्रीनगर का तापमान -8.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज की रात इस सीजन की सबसे सर्द रात -8.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। कश्मीर के दूसरे हिस्सों पर नज़र डालें तो वहां का तापमान करीब -15 से 20 डिग्री तक नीचे चला गया है। लेह यूनियन टेरिटरी की बात करें तो वहां के तापमान पर नज़र डालें तो बदन कांप उठता है। वहां का तापमान करीब -29 डिग्री तक पहुंच चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये श्रीनगर शहर की तस्वीरें हैं। कुछ दिनों पहले पूरे कश्मीर में बर्फबारी हुई थी, वो बर्फ़ जो है अभी भी श्रीनगर में मौजूद है और अब ये बर्फ़ जो है वो पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी है। करीबन श्रीनगर में 1.5 फीट के आसपास बर्फ़ जो है वो रिकॉर्ड की गई थी, वो बर्फ़ अभी भी मौजूद है। इसका कारण यही है कि तापमान जो है वो हर गुजरते दिन के साथ गिरता जा रहा है, जिसके कारण झीलों के साथ साथ नदियाँ जो है वो जम चुकी है और जो सड़कों पर मौजूद बर्फ़ है वो भी पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी है, जिसके कारण आम लोगों का चलना फिरना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो गया है। फिलहाल लोगों को ना तो इस ठठरती ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद दिख रही है और ना ही तापमान में किसी तरह की बढ़ोतरी देखने की उम्मीद जताई जा रही है।
अलाव से ठंड भगाने की कोशिश। तस्वीर दिल्ली या हरियाणा की नहीं बल्कि श्रीनगर की है। तापमान माइनस में आते ही लोग कपकपाने लगे, आग का सहारा लेने लगे। डल झील के किनारे पर बैंगलोर से आए कुछ टूरिस्ट हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, झील का हर हिस्सा जो है वो फ्रीज दिखाई दे रहा है, कैसा अनुभव है झील को देखकर आज? बिल्कुल जैसा आपने बोला, स्वर्ग का अनुभव है। जैसा आपने बोला, स्वर्ग बोला जाता है इस जगह को, एक रीज़न की वजह से बोला जाता है। और अब झील छोड़िए, पूरा शहर जम चुका है, पर शायद इसी के लिए लोग आते हैं, इसीलिए इसको जन्नत बोलते हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और जहाँ देखो वहाँ पे एक अलग ही नज़ारा है, जो जीवन में पहले कभी एहसास नहीं किया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने पहली बार ऐसी जमी हुई झील देखी है और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मतलब मुझे ये ऐसा एक्सपीरियंस है, पहले भी बहुत जगह पे घूमने गए हैं बट ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है। दिस इज़ ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल बियॉन्ड वर्ड्स, मतलब शब्द नहीं है इसको डिस्क्राइब करने के लिए। अपने ऐसे दृश्य जो है फिल्मों में ज़रूर देखे होंगे, लेकिन आज आप रियल में देख रही है, तो कैसा फील कर रही है? ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। हम लोग कश्मीर बार बार आना चाहेंगे ये देख के, और होपफुली हमें हर बार यही दृश्य मिले। ये सबको आना चाहिए यहाँ पे, ये एक बार तो लाइफ में देखना ही चाहिए। और मुझे नहीं लगता हमने कभी भी ऐसा देखा है, हम इतना ट्रैवल करते हैं, हमने बाहर भी हम इतना गए हैं, लेकिन इंडिया में इतनी ज़्यादा ब्यूटी है और हम उसको ही एक्सप्लोर नहीं करते हैं। बाहर जाते हैं, स्विट्ज़रलैंड जाते हैं घूमने, तो ये अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छा। खुला आसमां आ गए हम कहां है मेरे नारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तू जो मिला संत खुशी मिल गई, ये हसी वादियां ये खुला आसमां। श्रीनगर की डल झील ही नहीं, झेलम नदी पर भी बर्फीला कालीन बिछा है। एक छोर से दूसरे छोर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। पहाड़ों पर गिरी बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। शीतलहर चल रही है, ठंड इतनी ज्यादा है कि बाहर ही नहीं घरों में भी लोग कांप रहे हैं। दिल्ली NCR में तो ठंड के साथ जबरदस्त कोहरा भी है। दिल्ली में कल जहां लोग ठंड का 3 डिग्री का टॉर्चर झेल रहे थे, वहीं आज 2 डिग्री पर पहुंच गया। सफदरजंग में सुबह 8:30 बजे 2 डिग्री तक पारा लुढ़क गया, जबकि पालम में पारा 4.9 डिग्री तक पहुंचा। आज 14 जनवरी है मकर संक्रांति। कहा जाता है मकर संक्रांति के दिन से ठंड कम होती है क्योंकि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, लेकिन दिल्ली में ठंड बढ़ रही है और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिन दिल्ली वालों को इस ठंड से राहत नहीं मिलने वाली। भारी कोहरा छाया हुआ है दिल्ली में, विजिबिलिटी 50 से 100 मीटर है। जो लोग सड़क पर निकले हैं, जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, उन्हें गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है और दिल्ली वालों के लिए अगले 3 दिन अभी कपकपाने वाले होंगे। सर्दी और बढ़ेगी और ये कोहरे का सितम और बढ़ेगा। तो अगर आप बाहर निकल रहे हैं, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, रास्ते में हैं, तो ध्यान रखें, संभल कर ड्राइव करें। तस्वीर दिल्ली के बुराड़ी की है, जिसे देखकर बताने की जरूरत नहीं कि हालात क्या है। कोहरा इतना ज्यादा है कि सड़क पर कुछ नजर नहीं आ रहा। गाड़ियों की बात तो छोड़ ही दीजिए, पैदल चलना भी मुश्किल है। कुछ ऐसे ही हालात दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर भी दिखे। विजिबिलिटी काफी कम है, सुबह के वक्त भी गाड़ियां हेडलाइट जलाकर चल रही हैं। टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कोहरा हो रहा है। सोचिए, एक तरफ किसान डटे हैं तो दूसरी तरफ पुलिस खड़ी। अब जरा दिल्ली के रिंग रोड का हाल देखिए। सुबह के 8 बजे भी यहाँ इतना कोहरा था कि कुछ नजर नहीं आ रहा था। विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम है। दिल्ली में आज कड़ाके की ठंड के साथ काफ़ी ज़्यादा कोहरा है। कई इलाकों में सुबह सुबह 0 डिग्री विजिबिलिटी जो है वो नापी गई है। इस वक्त मौजूद है रिंग रोड पर। ये रिंग रोड है जो यहाँ से सीधा रास्ता एक तरफ सराय कालेखा की तरफ जाता है और दूसरी तरफ गाजीपुर बॉर्डर होते हुए NH 24 पर जाता है। आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके का कोहरा है। अभी इतना वक्त हो रहा है लेकिन अभी भी जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम है और यही वजह है कि कुछ जो गाड़ियां सड़कों पर आ रही हैं वो धीमी रफ्तार से आ रही हैं और गाड़ियों की हेडलाइट ऑन करके ही लोग जो हैं सड़कों पर गाड़ियां चला रहे हैं। विजिबिलिटी आप देखिए, पीछे से जो गाड़ियां आ रही हैं वो गाड़ियां पूरी तरीके से दिख नहीं रही हैं। ऐसे में जो लोग ड्राइव कर रहे होंगे उन्हें कितनी ज़्यादा समस्या इस वक्त आ रही होगी। लोग किसी तरीके से हेडलाइट ऑन करके धीरे धीरे गाड़ी चला रहे हैं।
कुछ दूर तक तो गाड़ी दिखाई देती है फिर गायब हो जाती है। ये तस्वीर दिल्ली के ISBT फ्लाईओवर की है। यहाँ भी रिकॉर्ड तोड़ कोहरा दिखाई दिया। हालात सुबह के 9 बजे के आसपास के हैं जब इतना कोहरा यहाँ दिखा। कोहरे और ठंड का डबल अटैक दिल्ली NCR ही नहीं बल्कि राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर भारत में ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और ये ठंड का सितम 16 जनवरी तक जारी रहेगा। श्रीनगर में जबरदस्त ठंड पड़ रही है और हालात ये हैं कि श्रीनगर की डल झील में 6 इंच से ज्यादा मोटी परत जम गई है। कैसी दिख रही है डल झील, मंजूर मीर की रिपोर्ट में देखिए। विश्व प्रसिद्ध डल झील की आज की तस्वीर 1980 के दशक की याद दिला रही है। 1980 के दशक में झील की तस्वीर हूबहू ऐसी ही दिखती थी जैसे आज दिख रही है, क्योंकि श्रीनगर के तापमान पर नज़र डालें तो 25 वर्षों के बाद श्रीनगर में आज रात का तापमान -8.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जिसके कारण आज झील जो है वो पूरी तरह से जमी हुई दिखाई दे रही है। हम इस वक्त विश्व प्रसिद्ध डल झील के किनारे पर मौजूद है। तस्वीरें आप झील की देख सकते हैं। झील में बर्फ़ की 6 इंच मोटी परत जो है वो बिछी हुई दिखाई दे रही है। बर्फ़ की सफ़ेद आगोश में आज पूरा झील जो है वो सिमटा हुआ दिखाई दे रहा है। दूर दूर तक हालांकि कोई शिकारा नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन निस्संदेह ही झील की इस मोटी परत से झील और कश्मीर की खूबसूरती में 4 चांद लगे हुए हैं और इस खूबसूरती को देखने के लिए जो देश भर से पर्यटक कश्मीर आए हैं उन्हें यह खूबसूरत नज़ारे जो है जन्नत का एहसास दिला रहे हैं। लेकिन आम लोगों के लिए ये झीलों का जमना और तापमान में भारी गिरावट दर्ज होना परेशानी का सबब बना हुआ है, क्योंकि कश्मीर में चिलेकलान के मौसम में हुई भीषण बर्फबारी के बाद तापमान में जिस तरह से भारी गिरावट दर्ज हो रही है उससे आम लोगों की परेशानियां और ज़्यादा बढ़ गई है। झील को देखने के लिए न सिर्फ पर्यटक अब स्थानीय लोग भी आ रहे हैं, क्योंकि 1980 के दशक में झील जो है इसी तरह से जमी हुई थी जब लोग इस पर क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलने आते थे और तस्वीरें खींचने के लिए झील के बीच में जाते थे। लेकिन इस बार चूँकि 80 के दशक की झील की तस्वीर हूबहू दिख रही है, झील पूरी तरह से जम चुकी है, प्रशासन की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है, लोगों से अपील की गई है कि वो झील में ना जाए, झील में तस्वीरें ना खींचे, ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ मैं मंजूर मीर, India TV, डल झील, श्रीनगर। डल झील पूरी तरह से जमी हुई है इसलिए प्रशासन भी अलर्ट है। पर्यटक कहीं जमी डल झील पर ना चलने लगे इसलिए SDRF की टीम डल झील के आसपास है। लोगों को झील के एक छोर से दूसरे छोर पर तो छोड़ ही रही है, साथ ही किसी तरह का कोई हादसा ना हो उसके लिए भी तैनाती कर दी गई है। हम सुबह से आपको मालूम ही है सर, यहाँ पे सारा जाम हुआ है, ये डल जो है फ्रीज हुआ है सर, तो हम सुबह से यहाँ पे है कि कोई लड़का ऐसा ना करे हरकत कि इस पर जाए कि खुदा ना खासा डूब जाए तो कोई प्रॉब्लम हो जाए सर। तो किस तरह का रेस्क्यू कर रहे हैं सर? हम इसको हम लोगों को पीछे रह रहे हैं कि आप पीछे रहो, इसके बीच में मत जाए, तो आपके लिए वो मुसीबत खुदा ना खासा मुसीबत ना बन जाए आपके लिए। तो आपकी तरफ से क्या क्या तैयारियां हैं? हमने सर यहाँ पे बोट भी रखे, लड़के भी हम तैयार हैं यहाँ पे सर, अगर खुदा ना खासा कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो हम उसके तैयार है, उसके लिए तैयार है। हम एक दो दिन हुए हमें, जब से माइनस हो रहा है तब से हम यहाँ पे हमारी पूरी टीम रेडी है इसके लिए कि कोई डूब ना जाए, किश्ती आर पार जा रही है उनको मदद करे आर पार जाने में, तो हम एक दो दिन से रेडी है बिल्कुल। तो क्या क्या इक्विपमेंट आपको डिपार्टमेंट की तरफ से मिले? डिपार्टमेंट की तरफ से हमें तो पहले ही तो लाइट जैकेट आप जो देख रहे हैं ये है, और ये जो बोट है ये है, और छोटे से बोट है जो बिना इंजन के है तो उनको भी ले जाते हैं। पहाड़ों पर ही नहीं मैदान पर भी शीतलहर चल रही है। लुधियाना में ठंड के साथ साथ कोहरे का सितम जारी है। सुबह जब लोग अपने घर से बाहर निकले तो कुछ नजर नहीं आ रहा था। घने कोहरे की वजह से ही दूर का तो छोड़िए पास का भी कुछ नहीं दिख रहा था। यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो गया। धुंध की चादर में लुधियाना ऐसा लपटा कि सब कुछ धुंधला नजर आने लगा। और ये तस्वीर उस वक्त की भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा मुरादाबाद की ये तस्वीर आपके सामने है जहाँ कोहरे की परेशानी लोगों को हुई, और इसी तरह देश के कई और जगहों से भी ये तस्वीरें आई हैं जहां कोहरे की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। हम आगे बढ़ेंगे इस ब्रेक के बाद, आपको दिखाएंगे 26 जनवरी से पहले राजपथ पर NSD जवानों ने कैसे अपना दम दिखाया।